धरती के माथे पर चंदन अभिराम, अयोध्या की माटी है चरण रज राम, अयोध्या की पावन भूमि को प्रणाम, श्री राम की जन्मभूमि को प्रणाम। कलयुग में पापों से पावन करने वाली पुनीत सरयू नदी को प्रणाम। रामा हो रामा हो रामा, रामा हो रामा हो रामा। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता। श्री राम की अयोध्या है भगवान की अयोध्या, बड़ी पावन नगरिया दर्शन कर लो भैया। ये सरयू नदी के तट पर बसी दिव्य व पावनपुरी अयोध्या है। अयोध्या शब्द अपने में दिव्य है। अकारो ब्रह्मरूपस्य, धकारो रुद्ररूपते, यकारो विष्णुरूपस्य, अयोध्या नाम राजते। अयोध्या शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। अ अक्षर में ब्रह्मा, य अक्षर में विष्णु तथा ध अक्षर में शिव का वास है। रामा हो रामा हो रामा, रामा हो रामा हो रामा। अथर्ववेद के दशम स्कंध में अयोध्या के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, अष्टचक्रनवद्वारा देवानां पूयोद्धया, तस्वां हिरण्मयः कोश स्वर्गो ज्योतिषावृताः। आठ चक्र नव द्वारों से सुशोभित अयोध्या देवताओं की नगरी है, जिसमें स्वर्ण के समान हिरण्यमय कोश है जो दिव्य ज्योति से पूर्णतः घिरा हुआ है। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, ऐसी परम पुनीत देवताओं की धरती को प्रणाम, भगवान श्री राम की जन्मस्थली को प्रणाम। कहते हैं कि अयोध्या भगवान वैकुंठनाथ की थी। इसे पृथ्वी के ऊपर अपनी सृष्टि का प्रधान कार्यालय बनाने के लिए महाराजा मनु ने वैकुंठनाथ से मांग लिया था। वैकुंठ से अयोध्या के भूखंड को पृथ्वी पर लाकर अवस्थित किया और फिर यहीं से सृष्टि का सृजन व विकास हुआ। इस विमल भूमि अयोध्या की बहुत दिनों तक सेवा करने के बाद महाराजा मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दे दिया। इसी वंश की 62वीं पीढ़ी में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लेकर अयोध्या भूमि को पूजनीय बना दिया। सभी तीर्थों में व सप्तपुरियों में अयोध्या पुरी का श्रेष्ठतम स्थान है। अयोध्या को परम मुक्ति धाम भी कहा जाता है। सम्राटों की जननी, सूर्य वंशियों की जन्मदात्री अयोध्या पुरी इक्ष्वाकु महाराज सम्राट आदि सम्राट के समय से करोड़ों वर्ष का इतिहास सजोए हुए इस धरातल पर इसी अयोध्या नगरी में शासन कार्य किए और मनुना मानवेन्द्रेण जापुरी निर्मिता स्वयं, मनु ने इस पुरी का निर्माण कराया श्राद्धदेव मनु के काल में, जो सप्तम मनु कहलाते हैं।
आज ब्रह्मा के हिसाब से इस वक्त का समय यह 2 बजे का है। ब्रह्मण दीप्रहराग्ध, ब्रह्मा का दोपहर हो चुका और दोपहर के बाद 2 बजे का और 1 बजे का लंच का समय जो आजकल आधुनिक काल में है, ब्रह्मा के लंच के समय में हम लोग आप सब उपस्थित हैं। और इस लंच के समय से हम चाहते हैं कि अयोध्या की सकल सूरत वर्तमान जनता के हृदय के आकांक्षा पूरक बन जाए, नवनिर्माण हो जाए, राष्ट्रीय संरक्षण इसको मिले, राष्ट्रीय वैभव से राष्ट्रीय सुसज्जा से सुसज्जित हो और राम लला राष्ट्र नायक बनकर के सबको दिखाई दे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना दो जाए, माया मिले न तुझको राम, तू चुन ले भक्ति अभिराम, भक्ति अभिराम रे, हरे राम राधे श्याम सिया राम रे, हरे राम राधे श्याम सिया रुद्रयामल ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि समस्त गुणों से युक्त अवंतिका जिसे उज्जयिनी कहते हैं, वो भगवान विष्णु का चरण है। कटिभाग कांचीपुरी है, द्वारिकापुरी भगवान का नाभि भाग है, मायापुरी अर्थात हरिद्वार हृदय है, गर्दन का मूल भाग मथुरा है और नाशिका काशीपुरी है। ऋषियों मुनियों ने भगवान विष्णु के दिव्य अंगों में अयोध्या को भगवान का मस्तक बताया है। वशिष्ठ संहिता में अयोध्या के 8 नामों की चर्चा है। कहते हैं कि समस्त लोकों के द्वारा जो वंदित है, ऐसी अयोध्यापुरी भगवान आनंद कंद के समान चिन्मय अनादि है। ये 8 नामों से पुकारी जाती है, हिरण्या, चिन्मया, जया, अयोध्या, नंदिनी, सत्या, राजिता और अपराजिता। भगवान की ये कल्याणमयी राजधानी साकेतपुरी कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक का हृदय भी कही जाती है। एतद्विस्तृतस्य
सकाशाद् अग्रजन्मना स्वस्वं चरितं शिक्षरेण पृथिव्यां सर्वमानवाः। मनुस्मृति में कहा गया है, इस देश में पैदा होने वाले प्राणी अजन्मा कहलाते हैं, जिसके चरित्र से पृथ्वी के मनुष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई ग्रंथों में अयोध्या का शाब्दिक भावार्थ इस प्रकार से भी किया गया है कि जिस नगरी को शत्रु जीत न सके, अर्थात अयोध्या नगरी कुछ इस तरह से बसी है कि जिसे शत्रु जीत ही नहीं सकता। ये है सरयू नदी, युगों युगों से निरंतर बहती हुई सरयू की पावन धारा। सरयू को धरती पर मुनि वशिष्ठ जी लेकर आए थे। मुनि वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु थे। सरयू उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। सृष्टि आदि में जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें सृष्टि की रचना के लिए आज्ञा हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बिना तप किए हुए सृष्टि रचना संभव नहीं है। अतः ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी की अपार निष्ठा पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विष्णु दर्शन का सुख प्राप्त कर रहे थे और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की तपस्या और भक्ति से इतने द्रवित हुए कि उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रेमाश्रुओं को अपने कमंडल में रूप लिया, फिर उसे मान सरोवर में स्थापित कर दिया। बहुत दिनों के बाद मनु के पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से अयोध्या के लिए एक पावन नदी मांगी, तो वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से सरयू को प्राप्त करने की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने सहर्ष सरयू नदी को प्रदान कर दिया, अतः वो मान सरोवर से निकलकर अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या को तीन ओर से घेरकर बहने लगती है। उसी दिन से सरयू का एक नाम वाशिष्ठी भी पड़ गया। सरयू स्नान का बड़ा महत्व है। सरयू में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। कार्तिक में कल्पवास के साथ, श्रावण में एवं चैत्र में रामनवमी पर्व पर स्नान की परंपरा है। बड़ी पावन सरयू नदिया, अमृत धारा जिसकी लहरिया। बड़ी पावन सरयू नदिया, अमृत धारा जिसकी लहरिया। तारे पापियों को नित मैया, दर्शन कर लो भैया। तारे पापियों को नित मैया, दर्शन कर लो भैया। नमामि सरयू तव पाद पंकजं, सुरासुरैर्वन्दित पादपीठं। भुक्तिश्च मुक्तिश्च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणाम्। इसी सरयू नदी की जलधारा में चैत्र शुक्ल रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा पर लाखों यात्रियों का जनसमूह स्नान करते हुए देखा जा सकता है। सरयू के तट पर बसी भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थली अयोध्या, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री राम के मुखारविंद से हुआ है। और क्यों न हो, चूंकि इसी अयोध्या की धरती ने, सरयू ने, एक एक रजकण ने श्री राम के जन्म से लेकर सारी लीलाओं का अवलोकन किया है। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को
मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बह सरजू पावन जामा जनते बिनहि प्रियासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि इहां के वासी मम धाम दा पुरी सुख रासी हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या में वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु पृथु त्रिशंकु हरिश्चंद्र सगर दिलीप सुदर्शन रघु अज दशरथ श्री रामचंद्र कुश आदि प्रमुख राजाओं ने राज्य किया। त्रेता युग में कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी प्रजा सहित अपने दिव्य धाम को चले गए तो अयोध्या पूरी उजाड़ हो गई थी। संपूर्ण संपत्ति मठ सब सरयू की गोद में समा गए थे। फिर द्वापर युग के आदि में महाराज कुश ने इसे पुनः बसाया। तत्पश्चात कई राजाओं ने राज्य किया। कलयुग में शाक्य वंश उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन उसने 3 पीढ़ियों तक निरंतर अमंगल होने के कारण अयोध्या को त्याग कर अपनी राजधानी का निर्माण श्रावस्ती में किया। नई राजधानी बनने से श्रावस्ती में अधिकांश अयोध्यावासी चले गए, जिससे अयोध्या पूरी तरह सूनी हो गई। कुछ समय पश्चात गौतम बुद्ध के काल में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने 16 वर्ष अयोध्या में बिताए थे। अनेक धर्मों व सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया। उसी समय वीर विक्रमादित्य राजा थे। विक्रमादित्य ने अयोध्या के महत्व को जाना। उनके मन में अयोध्या के पुनः निर्माण की प्रेरणा जागी। अतः वे मान सरोवर से चलते चलते सरयू के किनारे किनारे एक दिन विशाखा वन में पहुंचे। एक दिन प्रातःकाल एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि श्याम वर्ण का एक पुरुष एक काले घोड़े पर बैठकर आया और सरयू की पुनीत धारा में घोड़े सहित डुबकी लगाता है। वो घोड़े सहित पूरा श्वेत हो गया। विक्रमादित्य ने ये देखकर उस घोड़े वाले से जाकर पूछा कि आप कौन हैं? काले आए थे, श्वेत हो गए, कैसे? अश्वारोही ने कहा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। अनेक पापियों के पाप धोने से मेरा तन मन और वाहन सभी काले हो जाते हैं। इसी पाप को धोने के लिए मैं स्वयं चैत्र रामनवमी को अयोध्या आता हूं और स्नान कर पापों से मुक्त होकर गुप्त रूप से चला जाता हूं। यही पाप मोचनी अयोध्यापुरी है। विक्रमादित्य ने अयोध्या के पुनरुद्धार की बात जब कही तो प्रयागराज ने कहा, तुम अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ साथ चलो। प्रयागराज और विक्रमादित्य दोनों चलते हैं। जहां जहां जो स्थान प्रयागराज बताते गए, विक्रमादित्य वहां वहां निशान बनाते गए और लिखते गए। कालांतर में राजा विक्रमादित्य ने मंदिरों का निर्माण व मूर्तियां स्थापित की। सभी जगह अपने संबत के पत्थर लगवाए। बाद में अयोध्या का भव्य विकास हुआ। अयोध्या में आने के कई मार्ग हैं। लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, गोंडा, गोरखपुर आदि स्थलों से रेलवे एवं सड़क यातायात की सुविधाएं हैं। आइए पावनपुरी अयोध्या का दर्शन करें। श्री राम जन्म भूमि बड़ी पावन है भूमि। श्री राम जन्म भूमि बड़ी पावन है भूमि। भव से पार लगा दे नैया दर्शन कर लो भैया। वो भव से पार लगा दे नैया दर्शन कर लो भैया। श्री राम की अयोध्या है, भगवान की अयोध्या।
ये है श्री राम जन्मभूमि, यही भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। कहते हैं यहीं 2040 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने इसी स्थान पर एक बहुत ही भव्य अति सुंदर श्री रामलला का मंदिर बनवाया था, जिस पर यवनों के कई आक्रमण हुए। इसी स्थान को विध्वंस करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जिसके लिए अनेक आंदोलन व रक्तपात हुए। 6 दिसंबर 1992 को वो मस्जिद भी ढहा दी गई और मंदिर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। श्री राम लला आज भी यहाँ विराजमान हैं। ये है श्री कनक भवन। ये भव्य महल महारानी कैकेयी जी का था। ये महल संपूर्ण स्वर्ण का था। महारानी कैकेयी ने जानकी को मुंह दिखावे में दे दिया था। ये अयोध्या का भव्यतम श्री सीताराम जी का प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि विक्रमादित्य के बनाए हुए विशाल कनक भवन को जब सैयद मसूद सालार काजी ने तोड़ डाला था, तब उस भग्नावशेष पर टीकमगढ़ रियासत की महारानी वृषभान कुंवरी ने एक सुंदर विशाल भवन बनवाया, जो वर्तमान समय में विश्व विख्यात कनक भवन है, जिसमें सच्चे सोने का सिंहासन, दरवाजा, झूला व मंदिर के शिखर की कलशियां आदि हैं। श्री कनक भवन के ही निकट लाल साहब दरबार, शीश महल, बड़ा स्थान, रत्न सिंहासन, इच्छा भवन, कोहबर भवन, श्रृंगार भवन, आनंद भवन, रंग महल, दशरथ राज दरबार एवं मत गजेंद्र महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये हैं छोटी देवकाली। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये प्राचीन काल की गिरिजा देवी हैं। देवी सीता
इन्हें जनकपुर से ले आई थीं, जिन्हें यहाँ स्थापित किया गया था। मंदिर के निकट ही सप्त सागर है। गढ़ी, यहाँ भी महाराजा विक्रमादित्य का बनवाया हुआ श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था। मंदिर खंडहर हो गया था तो लोग हनुमान टीला कहने लगे थे। यहीं एक संत त्यागी पुरुष श्री रामदास जी रहते थे। एक बार नवाब मंसूर अली साहब बहुत बीमार पड़े। अनेक उपाय व उपचार हुआ, कोई फायदा न होने पर नवाब को त्यागी जी के पास ले जाया गया। त्यागी जी ने हनुमान जी का नाम लेकर उपचार किया और नवाब स्वस्थ हो गए। नवाब ने उपहार देने की बात की तब त्यागी जी ने हनुमान टीले को हनुमान गढ़ी बनवा लिया। श्री हनुमान गढ़ी की शान, बैठे हनुमत बलवान। श्री हनुमान गढ़ी की शान, बैठे हनुमत बलवान। हो देते भक्तों को वरदान, दर्शन कर लो भैया। हो देते कर लो भैया। श्री राम की अयोध्या है, भगवान की अयोध्या, बड़ी पावन नगरिया, दर्शन कर लो भैया। हो रामा हो, रामा हो। सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम। आज भी हनुमान जी की इतनी कृपा है कि लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। हनुमान गढ़ी में चार पट्टियां हैं। चारों पट्टियों के चार महंत हैं। चारों महंतों के ऊपर एक गद्दी नशीन होते हैं। वर्तमान में श्री रमेश दास जी महाराज इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। यहां लगभग 5000 साधु एवं संत निवास करते हैं, जिनका श्री हनुमान गढ़ी के भंडार से भरण पोषण होता है। जन्मभूमिं हनुमन्तं नागेशं सरयुं तथा लक्ष्मणवेणुतीर्थं च वन्दे हाटकमन्दिरं मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां च पुनर्वसौ मध्याह्ने कर्कटे लग्ने जातो रामः स्वयं हरिः। यहाँ लगभग 5000 से ज्यादा साधु निवास करते हैं। यहाँ फलाहार, खिचड़ी आदि वितरित होता है। यहाँ गरुड़ स्तंभ है। यहाँ के अखाड़ों के पहलवान विश्व भर में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये हैं श्री कालेराम जी। श्री नागेश्वर नाथ से सटे हुए श्री कालेराम जी का मंदिर है। इस मंदिर में विक्रमादित्य काल की पुरानी मूर्तियां हैं, जो कभी राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठित थीं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं कालेराम भगवान का।
ये विग्रह आज से 2060 वर्ष पूर्व श्री राम जन्मभूमि पर था। उस समय वहाँ अपने लोगों का मंदिर था, उस मंदिर में ये स्थापित था। यौन लोगों के समय में मुगलों की कृति अपने मंदिर पर पड़ी और अपना जो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर था वो मंदिर सन 1528 में बाबर बादशाह के समय में जमीन पर किया। उस समय वहाँ पर सामानंद नाम के पुजारी थे। उनको जब यह आभास हुआ कि यौवन लोग मूर्ति बंद करेंगे या मंदिर विध्वंस करेंगे, तो उन्होंने श्री राम जन्मभूमि और कनक भूमि इन दोनों मूल विग्रहों को नदी में गरीब नदी में प्रवाहित किया और बाद में उन्होंने मंदिर छोड़ करके मछली बनाई जो बाबरी मछली बनाई। वो सरकार जो विग्रह डाला गया जन्मभूमि का, वो सन 1748 में अंग्रेजों के समय अयोध्या के राजा दर्शन सिंह ने उनके समय में महाराष्ट्र के एक संत नरसिम्हराव मोघे नाम के योगी हो गए। उनको भगवान ने दृष्टांत दिया कि नागेशम सन्निधौ तत्र इमां मूर्ति योजय तत्रैव मम सान्निध्यं तदावत देवः। ये बगल में शंकर भगवान का मंदिर नागेशनाथ, ये भगवान राम के छोटे चिरंजीव कुछ के द्वारा साधित है, स्वयं भू महादेव है और 108 ज्योतिर्लिंग में इनकी घटना है। इनके सानिध्य में मेरी स्थापना करो, वहाँ हम दर्शन देंगे। उस हिसाब से दृष्टांत के हिसाब से नरसिम्हराव मोघे सरयू किनारे गए, स्नान करते समय यह पंचायतन प्राप्त हुआ और नागेश्वर के सानिध्य में यहाँ पर उन्होंने इमली का वृक्ष था और वृक्ष के नीचे उन्होंने भगवान को अधरा दिया। क्योंकि भगवान का उन्होंने नाम है इसलिए काले राम जी नाम रखा, वहाँ भी उनको काले राम जी के नाम से। वैसे पहले इसका नाम विष्णुहरि था। भगवान राम ही उत्तराभिमुख है, इसमें रामम रावणजम सीताम भरतम भरतारजम अग्रे वायुमित्र प्रणाम पूर्ण भगवत। बीच में राम जी हैं, उनके वामक में किशोरी जी हैं, उनके वामक में भरत लाल जी हैं, उनके दक्षिण में लखन लाल जी और उनके दक्षिण में शत्रुघ्न लाल जी और चरणों के पास श्रीयंत्र और हनुमान जी महाराज जी, एक ही शालिग्राम के नाम है। और भगवान राम उत्तराभिमुख हैं, राम जी के सामने हनुमान जी महाराज दक्षिणाभिमुख है। दक्षिणाभिमुख हनुमान जी भी आपको बहुत कम उत्तर भारत में बिहार में कम दर्शन क्योंकि महाराष्ट्र में। ये है श्री नागेश्वरनाथ मंदिर। श्री नागेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महाराजा कुश ने की थी। ये प्रसिद्ध शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ महाराजा कुश के विवाह से जुड़ी एक रोचक घटना है कि एक नाग कन्या सीता जी के गहने सरयू के तट से उठा ले गई थी, जिससे कुश जी ने अग्नि बाण संधान किया था। जल के जीव जंतु सब विकल हो गए थे। तभी नागराज ने स्वयं आकर वो आभूषण कुश जी को दिए और कुश जी से अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। नव दंपति को आशीष देने स्वयं शिव जी प्रकट हुए थे, इसीलिए यहां नागेश्वरनाथ के रूप में शिव प्रतिष्ठित हुए। श्री नागेश्वरनाथ मंदिर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करके भक्तजन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अयोध्या के चार शिव। अयोध्या की चातुर्दिक व्यवस्था के लिए उत्तर में श्री नागेश्वरनाथ शिवजी के साथ पूर्व में माता कौशल्या जी द्वारा स्थापित श्री क्षीरेश्वरनाथ, दक्षिण में श्री योगेश्वरनाथ और पश्चिम में श्री कोटेश्वरनाथ जी हैं। Na
ये है रत्न सिंहासन। श्री कनक भवन मंदिर के दक्षिण की ओर रत्न सिंहासन मंदिर है। यहीं भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर तीन मूर्तियां महाराजा समुद्रगुप्त के काल से प्रतिष्ठित हैं। आनंद भवन। बड़ी पावन नगरिया दर्शन कर लो भैया। सीताराम 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 सीताराम। इस स्थान पर भगवान श्री राम का बालपन बीता था। यहाँ कागभुशुंडी जी का दर्शन है, साथ ही साथ राजा दशरथ के पूरे परिवार का दर्शन है। दशरथ महाराज की। देखिए एक चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का आनंद भवन है। यहाँ पर राजा दशरथ जी के पूरे परिवार का दर्शन है। बीच में देखिए सामने जो खड़े हैं चक्रवर्ती राजा दशरथ जी हैं, नीचे में जो बैठे बीच में गुरु वशिष्ठ जी हैं, पूरे परिवार को कथा सुना रहे हैं। दशरथ जी के बाएं तरफ देखिएगा माता कौशल्या जी खड़ी हैं, कौशल्या जी के गोद में श्री रामचंद्र जी खेल रहे हैं। दाहिने तरफ माता कैकेयी जी के गोद में श्री भरतलाल जी हैं, दूसरे पुत्र लक्ष्मण जी सुमित्रा जी हैं, सुमित्रा जी के गोद में श्री शत्रुघ्न जी खेल रहे हैं। सुमित्रा जी के दूसरे पुत्र लक्ष्मण जी कागभूषण जी के सामने खड़े होकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ धनुष जी हैं, कागभूषण जी से संवाद हो रहा है। जैसे आप लोग के घर में छोटा बच्चा जन्म लेता है, दूध पीता है, वैसे भगवान बालक रूप में भगवान को पूरे परिवार का दर्शन है। भगवान को दूध का महत्व, दूध का बोल लगता है। बोले जो ध्यान की इसी के निकट सीताकूप, सुमित्रा भवन, सुंदर सदन, कोप भवन आदि हैं। ये है श्रृंगार भवन। यहाँ रानियां श्रृंगार करती थीं। वस्त्र और आभूषणों का भंडार यहीं होता था। ये है अन्न क्षेत्र। अनेक साधु संत यहां भंडारा में प्रतिदिन निशुल्क भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन की व्यवस्था, जो अन्न आता है पास में, वो सब जनता के सहयोग, जनता के लोग श्रद्धालु आते हैं। हाँ, कोई सेवा करते हैं, मतलब यहाँ पर श्रद्धा से लोग आपको दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, अर्थ दान करते हैं, अन्न दान भी करते हैं, अर्थ दान करते हैं। ये है श्री लवकुश मंदिर की शोभा। यहीं से श्री राम जन्मभूमि, श्री जन्म स्थान, कोहबर भवन, रंग महल, सुंदर सदन, कोप भवन आदि देखे जा सकते हैं। ये है अमावा मंदिर। यहां हिंदुओं के सभी देवी देवताओं की झांकी प्रस्तुत है। प्रभु का ध्यान के
प्रभु को रहे तुम्हारा ध्यान, के प्रभु को रहे तुम्हारा ध्यान, करो रे भक्तो ऐसा प्रभु का ध्यान, करो रे भक्तो ऐसा प्रभु सुता की लाज सभा के बीच बचाते हैं, जो गजराजा के पाँव मगर से मुक्त कराते हैं, जिसकी कृपा से विप्र सुदामा धन्य धन्य हो जाता है, जा मिल नारायण के अंत स्वर्ग को जाता है, बनो भक्तों तुम अबोध ज्ञान, बनो भक्तों तुम अबोध ज्ञान। श्री राम जय राम जय जय विकास समिति के पास अयोध्या के विकास की कुछ योजनाएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम अमावा मंदिर के जीर्णोद्धार और बगल में एक राघव आरोग्य मंदिर की स्थापना, ये जो हमारे मुख्य कार्यक्रम है। अयोध्या चूंकि सबसे पावन नगरी है, भगवान राम की जन्मभूमि है, इसलिए असंख्य भक्तों की श्रद्धा का परम धाम है, इसलिए अयोध्या का विकास आवश्यक है। देश से जनता वैकुंठ ही धाम मान करके अयोध्या पूरी आती है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खानदान के स्टोरी जानने की यानी महिमा जानने की, तो इस दरबार के अंदर में बीच में श्री रामचंद्र जी हैं, दाहिने तरफ लक्ष्मण जी हैं, बाएं तरफ माता सीता जी हैं, चारों भाई चारों महारानी और त्रेता नाथ बद्री नारायण भगवान और गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ सिंह पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ सिंह पूज्य हमारे जिनके सीता गुरु के हमारे, हाँ यानी राम के खानदान के गुरु वही हैं जिससे शिक्षा दीक्षा भगवान को मिली, और उनके पिता दशरथ जी महाराज और समझिए कि से गायत्री माता और हनुमान जी हाथ जुड़े बैठे हुए हैं। ये है चौबुर्जी स्थान। महंत श्रीराम आसरे दास जी यहाँ के स्थानाधिपति हैं। यहाँ राजा दशरथ जी का पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ बेंत चढ़ाने की परंपरा है। ये वेद मंदिर है। ये अयोध्या का विशाल एवं भव्य वेद मंदिर है। यहाँ भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन के साथ साथ वेदों के दर्शन होते हैं। ये रंग वाटिका है।
यहाँ श्री रामलला जी की दिव्य सेवा प्रसिद्ध भागवत कथावाचक पंडित डोंगरे महाराज जी के परम शिष्य स्वामी हरिसिद्ध शरण जी महाराज कर रहे हैं। ये श्री रामकृष्ण मंदिर है, सुंदर एवं दिव्य मंदिर श्री रामकृष्ण मंदिर। ये है वाल्मीकि भवन एवं मणिराम दास जी की छावनी। इस विशाल भवन के निर्माता महान संत स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं। यहाँ जनता द्वारा दान दिए गए धन का सदुपयोग देखा जा सकता है। भव्य अस्पताल, भव्य कथा मंडप, भव्य हनुमान मंदिर, जिनके मन में बसे श्री राम जी उनकी रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी उनकी रक्षा करे हनुमान जी, जिनके मन में बसे श्री राम जी। भव्य वाल्मीकि भवन, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को संगमरमर पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा करके भव्य वाल्मीकि भवन का निर्माण एक बृहत कार्य है। यहाँ चार धाम का दर्शन और मणिराम दास जी की छावनी का पावन दर्शन है। अयोध्यापुरी में आप लोग विराजमान हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सत्यता, मोक्षदाय, हमारे महापुरुषों ने, सनातन धर्म के प्रवर्तकों ने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में आबद्ध करने के लिए चार धाम, सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, गाणपति पीठ आदि के रूप में एक सूत्र में आबद्ध करने का प्रयास किया। उन्हीं सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्या जी का सर्वप्रथम स्थान, भगवान ने जहाँ लीलाएं की थोड़े काल तक की, और अयोध्या जी का तो ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष सुतानी चाहे रामो राज उपासित आप लोगों को प्रयास, 11,000 वर्ष तक तो भगवान ने यहाँ राज्य किया है लीलाएं। इसलिए सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन होता है, और यह अयोध्या जी भगवान श्री राम के काल से ही नहीं, पुनीत सूर्यवंश की परम्परा, रघुवंश की परम्परा, जहाँ महाराजा दिलीप मानदाता रघु जैसे महाराजा हुए, राजर्षि हुए, जिन्होंने अपने शौर्य से, वीर से, पराक्रम से सारे संसार में एक सत्र चक्रवर्ती राज्य किया, ऐसे ऐसे राजर्षियों की तपोभूमि, उनकी लीला भूमि, सारे विश्व में जब लोग उठना बैठना चलना नहीं जानते थे, तब अयोध्या एक महानगरी के रूप में थी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, आदि शासक, विश्व के जो आदि शासक महाराज मनु ने अयोध्या का निर्माण किया, और पुनीत सूर्यवंश रघुवंश आदि की जो परंपरा है उसी अयोध्यापुरी में ही सबका राज शासन केंद्र रहा है। चक्रवर्ती राजाओं की यह भूमि रही है, राजर्षियों की भूमि अयोध्या जी रही। संपूर्ण अयोध्या जी अपने में विलक्षण तीर्थ है। भगवान श्री राम के चरण जहाँ पड़े हैं इतने काल तक, तो यहाँ का एक एक रजकण यहाँ का पावन है, और
अयोध्या जी की। आज लोग भ्रमित करने के लिए कौन सी अयोध्या, कौन से कहाँ अयोध्या है। अयोध्या जी की तो अपने आप पहचान है, उत्तर दिश सरयू में पावन, जिसके उत्तर में श्री सरयू जी है, दक्षिण में तमसा है, और तमसा और सरयू जी के बीच में बची हुई अयोध्या है। इसलिए अलग से ऐतिहासिक सत्य और तथ्य खोजने की जरूरत है। ये अयोध्या जी जहाँ भगवान की लीला भूमि है, जहाँ श्री कनक भवन है, श्री हनुमानगढ़ी है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज का महारानी कौशल्या के कई आदि के महल हैं, और श्री हनुमानगढ़ी सुग्रीव किला इत्यादि की जहाँ भगवान के जो पार्षद हैं उनके निवास स्थान है, वैसे ही संत महात्माओं के भी यहाँ विशिष्ट प्रसिद्ध स्थान है। उसी संतों के क्रम में श्री मणिराम दास जी की छावनी, ये लगभग 250 वर्ष पुराना प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। श्री मणिराम दास जी महाराज इसके आदि संस्थापक हुए हैं, जिन्होंने चित्रकूट में तपस्या की, वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान किया, और तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं साक्षात हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि आप जाइए संत सेवा करिए, हम स्वयं आते हैं। आज यहाँ जो श्री मंगल विग्रह है, अब वो किस रूप में आज कलकाल है, इसमें तो प्रत्यक्ष किस रूप में आवे, तो ये जो विग्रह है वहाँ सरयू जी में लेकर के जा रहे थे तो वे आगे बढ़ नहीं पाए, वह फिर यहाँ रह गए, तो हनुमान जी की स्वयं इस विग्रह के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान हैं। और अक्षुण्ण रूप से 250 वर्ष से लगातार 400-500 महात्मा प्रतिदिन यहाँ रह करके भोजन करते हैं। कोई भी गरीब और भूखा जाए आ जाए, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी जाति का कोई भी हो, भूखा है तो उसको भोजन मिलेगा। साधु संत महात्माओं के लिए यहाँ जीवन पर्यंत आवास की व्यवस्था है, चाहे वृद्ध हो चाहे कोई भी किसी संप्रदाय का साधु हो, जीवन पर्यंत यहाँ रह सकता है। और यहाँ प्राचीन काल से ही कथा का स्थल रहा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस का अध्ययन अध्यापन का क्रम लगातार अक्षुण रूप से आज भी यह आचार्य कृपा शंकर जी महाराज जो महामनीषी हैं, वो भागवत का अध्ययन कराते हैं, वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस का अध्ययन कराते हैं। नित्य यहाँ सत्संग स्वाध्याय होता रहता है, जो संतों का तपस्या स्वाध्याय निरतम को तपस्या और स्वाध्याय में सभी यहाँ साधु संत महात्मा लगे रहते हैं। और समाज सेवा के कार्यों में भी यहाँ चिकित्सालय है, योग और प्राकृतिक चिकित्सालय है, और सत्संग कथा के लिए दिव्य भवन है, और जिसमें गौशाला, गौ सेवा के लिए गौशाला है, और आचार्य संस्कृत के अभ्युत्थान के लिए एक विद्यालय है, सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ के नाम से संस्कृत विद्यालय, जिसमें छात्रों के लिए सैकड़ों छात्रों के भोजन आवास आदि की सारी व्यवस्थाएँ हैं। इस प्रकार से बहुमुखी सीता अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक आदि बहुमुखी आयामों को लेकर के ये मणिराम दास जी की छावनी अक्षुण रूप से 250 वर्ष से चली आ रही है। उस परंपरा में श्री मणिराम दास जी महाराज आदि संस्थापक हो गए, हम नृत्य गोपाल दास उसमें छठवीं पीढ़ी पे गद्दी की छठवीं परंपरा में हम हैं। और ये जो सेवा का कार्य हमें सौंपा गया है, लगभग 40 साल से हम यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ वो जो आचार्यों की परंपरा है, संतों की महात्माओं की परंपरा है, वो अक्षुण रूप से चली आ रही है। मेलों में हजारों हजारों साधु, हजारों हजारों भूखे गरीब आते हैं। समय समय पर उत्सव है, यहाँ सावन झूला है, रामनवमी है, गीता जयंती है, इत्यादि समय समय पर उत्सव सवैया यहाँ। यहाँ विशाल भंडारा होता है और असंख्य साधु और विद्यार्थी नित्य भोजन करते हैं। स्वामी नृत्य गोपाल दास जी द्वारा भोजन भंडारा, साथ ही दक्षिणा आदि की व्यवस्था, सच में प्रतिदिन यह आयोजन एक बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ का भव्य भंडारा, जिसे स्वामी जी स्वयं अपनी देखरेख में सेवा भाव से करते हैं, अवलोकन करने लायक है। ये है जैन मंदिर। जैन तीर्थों में अयोध्या का बड़ा ही महत्व है। यहाँ दिगंबर व श्वेतांबर दोनों के भव्य भवन व विशाल विग्रह हैं। ये है अयोध्या राजा का राज सदन, भव्य अयोध्या राज्य का राजभवन और अयोध्यापति श्री राम की झांकी का दर्शन, जहां ददुआ महाराज की कीर्ति पताका आज भी लहरा रही है।
वर्तमान में राजा यहाँ श्री विमलेंद्र मोहन मिश्र जी हैं। ये है बड़ा स्थान, राजा दशरथ का राजमहल। ये है श्री तुलसी चौरा, श्री रामचरितमानस की रचना स्थली एवं तुलसी स्मारक भवन। यहाँ कई विद्वान प्रसिद्ध हुए। अवधि साहित्य के लिए विख्यात महाराजा द्विजदेव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, प्रन्नगेश, शारद जी, पंडित दिनेश कवि आदि स्मरणीय कवि रहे। आज भी तुलसी जी की साधना स्थली पर काव्य गोष्ठी हो रही है। स्वामी श्री राम नारायणाचार्य, श्री रामनयन मिश्र, प्रसिद्ध कवि श्री राम अकबाल त्रिपाठी अंजान, श्री दयानंद सिंह जी मृदुल, पंडित किरण मिश्र अयोध्यावासी, श्रीमती डॉक्टर राधा पांडे, पंडित अरुण कुमार मिश्र। हमरे राम जी बिगरी बनाई है, तेर लगाओ राम कही कही के, कहीं अयोध्या भूई रही रही के, सरजू मैया के जल बही बही के। ये है लक्ष्मण किला। यहीं पर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का भव्य मंदिर है। यहां अदालतों में कसम खाने वाले लोग लाए जाते थे। आज भी यहां के प्रसिद्ध विद्वान संत स्वर्गीय स्वामी श्री सीताराम शरण जी महाराज के प्रवचनों की गूंज है। यहां का झूला जग प्रसिद्ध है। ये है विहौती भवन। यहां श्री सीताराम जी का दूल्हा दुल्हन विग्रह व झूला पर झूलते स्वरूप में श्री राम सीता का दर्शन देखने लायक है। अगहन शुक्ल पंचमी राम विवाह पर यहां विशेष उत्सव होता है। ये है सद्गुरु सदन गोलाघाट। भगवान का दर्शन एवं 14 कोसी व पंच कोसी परिक्रमा का यही वर्णन है। महाराज जी तो भारत एक विभूति अपने काल में गिनी जाती थी। अयोध्या में नवरत्न में एक रत्न गिना जाता था कि सब उत्तम गोलाघाट। और भारत वर्ष में आप सब जगह देखते होंगे, लेकिन सबसे पहला स्थान आपको उसकी सरजू सदन नाम का स्थान मिलेगा पूरे अयोध्या में, तो यही सरजू तक पाप मोचन घाट पर ही, जिसका नाम वर्तमान समय में गोलाघाट लोग कहते हैं। शास्त्र उसका बनना है पाप मोचन घाट। ये है बिरला मंदिर। बिरला परिवार की ओर से निर्मित मंदिर व धर्मशाला है। यहाँ के लोकप्रिय पुजारी स्वर्गीय पंडित देवी प्रसाद मिश्र एवं ठाकुर प्रसाद जी रहे हैं। ये है सुग्रीव किला। ये अति प्राचीन सुग्रीव किला, पहले यहां खंडहर था। इसका पुनः निर्माण देवराहा बाबा जी के परम कृपा पात्र शिष्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। ये स्थान बहुत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। प्राचीन कागजों में भी सुग्रीव किला के नाम से ही इसका उल्लेख हुआ है। ऐतिहासिक स्थान है।
वैसे शास्त्रीय दृष्टि से ये रामकूट उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ भगवान राम का मुख्य प्रासाद है और राम जन्मभूमि के अत्यंत निकट है। कि भगवान राम के परम स्वरूप सुग्रीव जी के नाम से प्रतिष्ठित है। ये है गुरु वशिष्ठ आश्रम व वशिष्ठ कुंड। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को शिक्षा देते हुए गुरु वशिष्ठ व उनका भव्य आश्रम है। यहां वशिष्ठ कुंड है जिसका संबंध सरयू धारा से है। यहां वर्ष में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके निकट ही ये है गोकुल भवन, स्वर्गीय स्वामी श्री मंगलदास जी महाराज का आश्रम व मंदिर। ये है श्री हनुमान बाग। यहाँ श्री हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है। आज यहाँ भव्य भवन व श्री सीताराम जी का मंदिर है। यहाँ साधु संतों के प्रवास का बड़ा साधन है। ये है श्री जानकी महल। श्री राम सीता की अनुपम झांकी के लिए विख्यात मंदिर श्री जानकी महल अपने में भव्य व अति सुंदर मंदिर है। ये जग प्रसिद्ध कथावाचक युग तुलसी श्री राम किंकर जी उपाध्याय की साधना स्थली भी है। ये है श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज का मंदिर। अयोध्या के प्रसिद्ध संत श्री वेदांती जी की साधना स्थली है। यहां भगवान श्री सीताराम जी की भव्य झांकी का नित्य दर्शन है। यह है श्री अवधेश्वर महादेव, श्री राम के इष्ट भगवान शिव। ये है श्री वीर हनुमान। यहां श्री हनुमान जी कथावाचक के रूप में हैं, जिनके चरणों में बैठकर कथा साधक प्रवचन करते रहते हैं। ये है आचारी मंदिर का झूलनोत्सव।
स्वामी श्री राम नारायण आचार्य जी के अति प्राचीन मंदिर में झूलनोत्सव एवं वहां की परंपरा। ये है श्री मणि पर्वत। ये स्थान श्री जानकी जी का क्रीड़ा पर्वत है। वैसे यहाँ किसी समय मणियों का इतना ढेर लगा दिया गया था कि मणि पर्वत हो गया था। इस विशाल पर्वत के ऊपर से संपूर्ण अयोध्या का दर्शन हो जाता है। इस मणि पर्वत के विशाल वृक्षों पर श्रावण तीज के दिन मंदिरों मंदिरों से भगवान के झूले पड़ते हैं, जहाँ भगवान झूला विहार का आनंद लेते हैं। ये राजद्वार मंदिर है। ये विशालकाय मंदिर अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये अयोध्या का राजप्रासाद है। यहाँ की रामलीला जग प्रसिद्ध है। ये है अयोध्या माता का मंदिर। कहते हैं यही अयोध्या माता अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी है। देवी पर शोध एवं इस मंदिर का निर्माण स्वर्गीय पंडित दिनेश जी मिश्र कवि ने कराया था। यहां मनुष्य अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। यहां देवी साधक के रूप में श्री गरुड़ जी मिश्र सेवा कर रहे हैं। यह है कोशलेश सदन। जगतगुरु स्वामी श्री राम नारायण आचार्य जी महाराज द्वारा निर्मित भव्य भवन कोशलेश सदन है। यहां का झूला जग प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहां स्थानाधिपति जगतगुरु विद्या भास्कर जी महाराज हैं। ये है श्री विभीषण कुंड। विभीषण कुंड अति रमणीय बना है। यहाँ श्री राम नाम स्तंभ का निर्माण है। ये है अशर्फी भवन। यहाँ का अशर्फी भवन मंदिर झूलनोत्सव और नित्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानाधिपति श्री जगतगुरु माधवाचार्य जी महाराज हैं। ये है विद्या कुंड। ज्ञान की अधिष्ठात्री श्री विद्या देवी माता का पावन मंदिर है एवं दिव्य विद्या कुंड है। यहाँ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व माता सरस्वती का आशीर्वाद दिलाया जाता है। ये सिद्धपीठ श्री रामधाम है। यहाँ का झूलनोत्सव प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानाधिपति के संचालन में भव्य समारोह होते रहते हैं। ये है केवट मंदिर। अयोध्या में सभी जातियों व सभी वर्गों के मंदिर हैं। ये है आदिशक्ति भगवती माता भुवनेश्वरी का मंदिर। यहाँ देवी दुर्गा की भव्य झांकी है। दंत धावन कुंड के निकट श्री विष्णु धाम है, जिसके संस्थापक देवी भक्त श्री रामनयन मिश्र जी हैं। ये राजा श्री राम जी का दंत धावन कुंड है। यहाँ मज्जन स्नान का महत्व है। वर्ष में यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्षीर सागर की कल्पना करके श्री लक्ष्मी नारायण की भव्य झांकी सजती है।
ये है भरतकुंड नंदीग्राम। श्री अयोध्या जी से 12 मील की दूरी पर नंदीग्राम बसा है। यही वो स्थल है जहां श्री राम जी के छोटे भाई श्री भरतलाल जी ने 14 वर्ष तपस्या की। अयोध्या की राजगद्दी पर श्री राम की चरण पादुका रख करके स्वयं तपसी भेष में तप करते हुए राज्य संचालन किया। यहीं भरत जी के नाम से प्रसिद्ध भरत कुंड है। ये है गुप्तार घाट। यहीं से भगवान श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए जल के मार्ग से विष्णुलोक प्रस्थान किया था। गंगा परी गोदावरी तीर्थ प्रयाग हरिद्वार, सबसे बड़ी अयोध्या है अवतार। अयोध्या में सभी जातियों व सभी वर्गों का मंदिर है। ये केवट समुदाय का सुंदर मंदिर है। ये आदिशक्ति भगवती माता भुवनेश्वरी का मंदिर है। देवी दुर्गा की भव्य झांकी है। दंत धावन कुंड के निकट श्री विष्णु धाम है, जिसके संस्थापक श्री राम नयन मिश्र जी हैं। यह है दंत धावन कुंड। ये राजा श्री रामचंद्र जी का दंत धावन कुंड है। यहाँ मंजन स्नान का महत्व है। वर्ष में यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्षीर सागर की कल्पना करके श्री लक्ष्मी नारायण की भव्य झांकी सजती है। यह है नंदीग्राम। श्री अयोध्या जी से 12 मील दूरी पर नंदीग्राम बसा है। यही वो स्थल है जहाँ श्री राम जी के छोटे भाई श्री भरत लाल जी ने 14 वर्ष तपस्या की। अयोध्या की राजगद्दी पर श्री राम की चरण पादुका रख करके स्वयं तपसी भेष में तप करते हुए राज्य संचालन किया। यही भरत जी के नाम से प्रसिद्ध भरत कुंड है। ये गुप्तार घाट है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी का भव्य अति प्राचीन मंदिर व घाट है। यहीं से भगवान श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए जल के मार्ग से विष्णुलोक प्रस्थान किए थे। तीर्थ प्रयाग हरिद्वार, सबसे बड़ी अयोध्या है जहां राम लिए अवतार। फॉर मोर एंटरटेनमेंट लॉग ऑन एंड सब्सक्राइब टू www.youtube.com/venusdevotional।